एक तरफ जहां इंडियन सुपरस्टार प्रभास बैक टू बैक अपनी दिलचस्प फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं और जहां उनकी अपकमिंग मूवी सलार को लेकर पहले ही दर्शकों के बीच खासा बज बना हुआ है, जो कि पहले इसी महीने 28 सितंबर के दिन रिलीज होने वाली थी, पर अब मेकर्स इस फिल्म की नई रिलीज डेट जल्द ही रिलीज करेंगे। वहीं इसी बीच सुपरस्टार प्रभास की अगली फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं और खबर आई है कि सुपरस्टार प्रभास ने तेलुगु फिल्म स्टार विष्णु मंचू की अगली फिल्म कनप्पा के लिए हाथ मिला लिया है। दरअसल खबर ये है कि इस मूवी में सुपरस्टार प्रभास एक कैमियो करने वाले हैं, जिसमें वो भगवान शिव का किरदार निभाने वाले हैं। इसमें दिलचस्प बात ये है कि इन खबरों पर खुद फिल्म स्टार विष्णु मंचू ने पक्की मोहर लगा दी है और अब इस खबर के सामने आने के साथ ही एक्टर के फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर है। बीती दफा जहां सुपरस्टार प्रभास निर्देशक ओम राउत की मूवी आदि पुरुष में प्रभु श्री राम का किरदार निभाते दिखे थे, वहीं अब वो विष्णु मंचू की अगली फिल्म कनप्पा में भगवान शिव का किरदार निभाने वाले हैं। इतना ही नहीं, दिलचस्प बात तो ये भी है कि सुपरस्टार प्रभास अपनी अगली फिल्म कल्कि 2898 एडी में भी कथित तौर पर भगवान विष्णु के रोल में नजर आएंगे, जो कि एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है जो हिंदू पौराणिक कहानियों से प्रेरित होगी। वहीं आपको बता दें कि विष्णु मंचू स्टार्टर फिल्म कनप्पा में उनके ऑपोजिट रोल में एक्ट्रेस कीर्ति सेनन की बहन नूपुर सेनन नजर आने वाली है। और अगर बात सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म की करे तो एक्टर के हाथों में कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं। फिल्म स्टार जल्द ही निर्देशक प्रशांत नील की मूवी सलार के साथ दर्शकों के बीच पहुंचने की तैयारी में है। इस फिल्म के अलावा एक्टर के हाथ में निर्देशक नाग अश्विन की मूवी कल्कि 2898 एडी भी है। इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा वो संदीप रेड्डी वांगा की मूवी स्पिरिट को लेकर भी बिजी हैं, जिसे निर्देशक रणबीर कपूर की मूवी एनिमल पूरी होने के बाद शुरू करेंगे। साथ ही प्रभास निर्देशक मारुति की मूवी राजा डिलेक्स को लेकर भी सुर्खियों में है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी होगी। तो क्या आप भी प्रभास की इन दिलचस्प लाइनअप की फिल्मों को लेकर एक्साइटेड है? हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।